सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सीक्रेट गीगल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट गीगल। मैं हूं श्रुति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही मजेदार रेसिपी। जी हां, आज की हमारी रेसिपी है वेज झींगी पार्सल, जिसे हम पनीर पार्सल भी कहते हैं। इस रेसिपी के नाम सुनकर सबसे पहले आपको याद आया होगा डोमिनोज, है ना फ्रेंड्स। और इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इसे बनाएंगे बिना ओवन के। तो फ्रेंड्स, जल्दी से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक, 3 चम्मच चीनी, 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच ईस्ट। तो सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट कर लेंगे। ईस्ट में हम डालेंगे चीनी 3 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक और फिर हम इसमें डाल देंगे हल्का गरम पानी। मैं यहाँ पे 3 बड़ी चम्मच पानी ले रही हूँ। गरम पानी डालने से हमारा ईस्ट बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसे हम अब ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम अपना मैदा गूंथ लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 कप मैदा लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 3 बड़ी चम्मच दही। दही जितना खट्टा होगा मैदा रेस्ट के बाद उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग और फिर 10 मिनट के बाद ये देखिए मेरा ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ईस्ट, ये देखिए। अब हम इसे अपने हाथों की मदद से गूंथ लेंगे और एक स्मूथ सा डो रेडी कर लेंगे, ये देखिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा मैदा गीला ना हो। मैदा को हमें सॉफ्ट ही रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ इस तरीके का होना चाहिए हमारा डो, एकदम सॉफ्ट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल डालने के बाद हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से गूंथ लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 बार, ताकि हमारा डो स्मूथ हो जाए, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ देना है। फिर मैंने 150 ग्राम पनीर को स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मेयोनीज, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना आपको तीखा खाना पसंद हो। फिर मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 स्पून हल्दी। हल्दी इसमें बहुत ही अच्छा कलर देता है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक और फिर हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, मैं इसे ओवन में नहीं बना रही हूँ। जी हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में नमक का एक लेयर बना लिया है, ये देखिए कुछ इस तरीके का। अब मैं इसके बीच में रख दूंगी स्टैंड और इसे हमें लो फ्लेम पर ढककर गर्म होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम यहाँ पे गार्लिक बटर बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर को मेल्ट कर लिया और 8 से 10 लहसुन की कलियों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे मिला देंगे बटर में और इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यकीन मानिए, ये गार्लिक बटर आपके पनीर पार्सल को इतना अच्छा टेस्ट देगा ना, आप इसे खाते ही रह जाएंगे और बाहर का खाना ही भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं अपने डो को। इसने भी लगता है बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया है, ये देखिए। वाओ, ये कितने अच्छी तरह से फूल चुका है और ये डो बिल्कुल परफेक्ट है मेरी पनीर पार्सल के लिए। तो ये देखिए, मेरे तीनों मेन चीज़ें यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हम पार्सल्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदा से एक बॉल ले लेंगे कुछ इस तरीके का, ये देखिए। अब हम इसे बेल लेंगे जिस तरीके से आप अपने घर पे पूड़ियाँ बेलते हैं। वेज पनीर पार्सल का नाम सुनते ही सबसे पहले आपको याद आया होगा डोमिनोज, है ना फ्रेंड्स। और कोविड के टाइम में बाहर जाना, बाहर का खाना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं अपनी बातों को जरूर कंटिन्यू करूंगी, पर उससे पहले ये देखिए मेरा यहाँ पे बेलना हो चुका है और इस पर हम लगा देंगे गार्लिक बटर जिसे मैंने बनाया है। हमें इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करना है, फिर हम इसे फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। इसे फोल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो फ्रेंड्स इसे ध्यान से देखिएगा कि मैं इसे किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ।
उसके बाद हम इस पे रखेंगे अपना पनीर वाला मिक्सचर और फिर से हम इसे फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे गार्लिक बटर, ये देखिए। अब इसे हटाकर हम प्लेट पर रख देंगे और अपना दूसरा पार्सल भी बना लेते हैं, ये देखिए। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं कहाँ थी? जी हाँ, कोविड के टाइम में बाहर खाना खाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों ना उन सब चीज़ों को हम घर पे ही बनाए इस टाइम में और घर पे ही खाए। ये हमारे लिए हेल्दी भी होगा और घर पे सभी लोगों को पसंद भी आएगा। ये देखिए, मेरा दूसरा पार्सल भी बन चुका है और कुछ इसी तरीके से हमें अपनी सारी पार्सल को रेडी कर लेना है। मेरे पार्सल्स तो बनके तैयार हो चुके हैं और मैं इसे स्टील के प्लेट में बेक करने वाली हूँ। ये देखिए, स्टील के प्लेट को मैंने बटर से ग्रीस कर लिया था, अब इसके ऊपर मैं रख ले रही हूँ पार्सल्स, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसके ऊपर मैं लगा दे रही हूँ बटर, गार्लिक बटर जिसे मैंने अभी बनाया हुआ है। उसके ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर दे रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो ये देखिए, ये बेक होने के लिए रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे कढ़ाई में रख देंगे। नमक अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अपने प्लेट को अब हम रख देंगे स्टैंड पर और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा पार्सल्स बनके रेडी हो चुका है। मैंने इसे सर्व किया है मेयोनेज के साथ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, मोर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।